हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण और मैं आज आपके लिए फ्रैक्शन का लेक्चर लेके आया हूं। इसमें फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अपने क्वेश्चन को देखिए। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 20 केजी रेस्ट ऑन अ बिगर ब्लॉक ऑफ मास 30 केजी व्हिच लाई ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पर रखा हुआ है वो। इनिशियली द होल सिस्टम इज रेस्ट, स्टार्टिंग पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो ब्लॉक्स के बीच है वो 0.5 है। आप लोगों को जो आप लोगों ने छोटे वाले लोअर ब्लॉक पर 15 न्यूटन फोर्स लगाया हुआ है, आप लोगों को जो मानना है 30 किलोग्राम ब्लॉक जो नीचे वाला ब्लॉक है लोअर ब्लॉक उसको काफ़ी लंबा मानना है जिससे कि ऊपर वाला ब्लॉक उसके ऊपर मोशन कर सके। चार क्वेश्चन आप लोगों के पास। वर्क डन निकालना है अपर ब्लॉक को लोअर ब्लॉक का टाइम टी इक्व टू 2 सेकंड्स पर। टी इक्व टू सेकंड्स पर दोनों ब्लॉक के द्वारा वर्क डन निकालना है आप लोगों को। जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है वो है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लोअर ब्लॉक एंड अपर ब्लॉक एट टी इक्व टू 4 सेकंड। दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है टी इक्व टू 4 सेकंड पर। तो ये आप लोगों का डायग्राम है, क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो। ये आप लोगों का लोअर ब्लॉक है 30 केजी। इसको आपको इतना सफिशियंट इसकी लेंथ माननी है, इसका लॉन्ग मानना है जिससे कि 20 किलोग्राम का ब्लॉक इस पर इजीली मूव कर सके। 20 केजी 30 केजी के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है। लोअर ब्लॉक पर आप लोगों ने फोर्स लगा रखा है 50 न्यूटन। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दिमाग में सबसे पहले क्या बात आनी चाहिए, दिमाग में सबसे पहले बात आनी चाहिए कि अगर आप लोगों को कभी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा हुआ देख लो और फ्रिक्शन की बात हो, तो सबसे पहले क्या कर लो, पूरे सिस्टम को एक मान लो। इस पूरे सिस्टम को मैंने सिंगल सिस्टम मान लिया और इसका एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो मैंने वही किया, इस पूरे सिस्टम का मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। 20 केजी 30 केजी ब्लॉक को मैंने क्या किया, पूरा सिस्टम एक मानते हुए इन दोनों को एक साथ मूव करा दिया। जब ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, फोर्स कितना लगा हुआ है 50 न्यूटन, मास कितना 30 प्लस 20 50। तो एक्सेलरेशन आ गया आप लोगों के पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद हम आप लोगों को क्या निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है इन दोनों के बीच में। तो फ्रिक्शन के लिए क्या करें वो आप लोग। तो मैंने इन दोनों का क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम वाला निकाला। ये 20 केजी का ब्लॉक है, 30 केजी का ब्लॉक है। 30 केजी के ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन। 20 केजी वाले ब्लॉक पर कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कैसे निकालना है, ये दोनों ब्लॉक कैसे जा रहे थे, आगे जाएंगे, क्योंकि जो लोगों के पास फोर्स लगा हुआ है वो कैसे लगा हुआ है, आगे की साइड में। जब राइट साइड जा रहे हैं दोनों ब्लॉक तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा इसके पीछे, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। जब ये वाला ब्लॉक भी आप लोगों का आगे जा रहा है तो मतलब आगे इस पर कोई ना कोई फोर्स होगा इसलिए आगे जाएगा, तो आगे जाएगा इस पर आगे की साइड फ्रिक्शन लगा हुआ है। तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आगे आप लोगों को जो फॉर्मूला लगाना है वो कैसे लगाओगे, तो उसके लिए आप लोगों को अभी फ्रिक्शन निकालने से पहले आप लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल चुके हो, वो आया आप लोगों का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो इस पर कोई फोर्स नहीं है, मतलब ये मूव कितने एक्सेलरेशन से कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये आपने माना है इसका मास कितना है 20 केजी। तो मैंने 20 × 1 कितना फ्रिक्शन मान लिया, 20 न्यूटन। यानी मेरे हिसाब से अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लगा होना चाहिए, 20 न्यूटन लगा होना चाहिए अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हमने मान लिया कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं लेकिन बाई चांस नहीं कर रहे हो, तो इसको कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए अब जो मेथड रहता है वो रहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकालना। तो आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी फ्रिक्शनल फोर्स की, जो होती है μ × n। तो μ × n की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है इस जगह, 1/2, मतलब 0.5 थी जो म्यू था आप लोगों का, म्यू था तो वो था 1/2 या 0.5 बोलो। और नॉर्मल एक्शन क्या है, जो इसका mg लगेगा यहाँ पे, मतलब 200 न्यूटन। तो आप लोग जब μ × n फॉर्मूला लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 100 न्यूटन। तो अब ये 100 न्यूटन मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम जो भी है आप लोगों का, वो फ्रिक्शन अवेलेबल जो आप लोगों ने माना है वो कितना माना है, 20 न्यूटन, जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। उससे क्या है, ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा रहता है तो हम आप लोग मानोगे नो स्लिपिंग, मतलब कौन सी कंडीशन हो गई, नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग मीन्स दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक आगे जा रहा है एक ब्लॉक पीछे जा रहा है, मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। तो आप लोगों ने जो माना था कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं वो अपना सही हुआ। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन। तो अब हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो 20 न्यूटन के हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू फ्रिक्शन अवेलेबल से कम आती तो स्लिपिंग होती, तो आप लोगों को ये वाली वैल्यू लेनी होती जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन थी। तो अब आप लोगों को आगे सॉल्व करना है डिस्टेंस टेबल इन 2 सेकंड। तो डिस्टेंस टेबल जब आप 2 सेकंड में निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे s = ut + 1/2 at² s = ut + 1/2 at² में u की वैल्यू इनिशियल क्या है, 0 है, स्टार्टिंग ब्लॉक में क्या है इनिशियल स्पीड 0 है उसकी। तो ut + 1/2 at² से लगाया, एक्सेलरेशन कितना आया था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है 2 सेकंड। तो s की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 2 मीटर, s की वैल्यू कितनी आई 2 मीटर। अब आप लोगों को निकालना वर्क डन, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों वर्क डन कैसे निकालोगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो मैंने बता रहा हूँ वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स ऑन अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक के द्वारा वर्क डन कितना है, तो वो होगा आप लोगों का फोर्स कितना है 20 न्यूटन, जो फ्रिक्शन फोर्स है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया अभी आपने लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो 2 मीटर। वर्क डन फ्रिक्शन कितना हुआ, 40 जूल।
अब ये हो गया अपर ब्लॉक के द्वारा वर्क डन, लेकिन अगर बोलूँ मैं लोअर ब्लॉक से वर्क डन कितना हो रहा है, तो लोअर ब्लॉक पे जो वर्क डन होगा वो क्या है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। आप लोगों ने भी देखा था कि इस पर जो फ्रिक्शन लगा हुआ 20 kg के पर सामने में है, और 30 kg वाले पर क्या है, पीछे की साइड फ्रिक्शन है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो अगर इसका वर्क डन पॉजिटिव मान लो, तो इसका वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये वाला वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा, क्यों, फ्रिक्शन भी इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल ट्रेवल करेंगे, क्योंकि दोनों लोग एक साथ चल रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैग्नीट्यूड बाय सेम, लेकिन अगर एल्जेब्रिकली देखोगे तो कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा नेगेटिवली। अब आगे बात करते हैं वेलोसिटी की। तो देखिए वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, आप लोगों को पता है। लेकिन जब दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं टुगेदर और नो स्लिपिंग की कंडीशन आ गई, तो मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों की वेलोसिटी भी सेम रहेगी। जब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, जीरो, एक्सेलरेशन कितना था, वन, और टाइम कौन से पर निकालना है, 4 सेकंड पर। तो वेलोसिटी कितना आ गई आप लोगों के पास, 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप लोग फ्रिक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो स्पेशली क्वेश्चन जेई मेन्स एडवांस या नीट में पूछे जाते हैं, वो वर्क डन के ऊपर पूछा है। फ्रिक्शन के ऊपर स्पेशली क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता वर्क डन के ऊपर, वर्क डन इतने टाइम पर, वर्क डन या वेलोसिटी निकालो इतने टाइम पर, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट जरूर करें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। और आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो नीचे आप लोगों को रेड कलर का बटन दिखेगा इसी के नीचे, वहाँ पर क्लिक करें तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि अगर आप लोग नोटिफिकेशन को दबा दोगे तो प्रेस करोगे, तो अगर मैं अगर कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास तुरंत पहुँचेगी। Thanks for watching this video. Jaldi.